भगवान ने बहुत सारे कोटेशन दिया है जिसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपके इस ठंडी में गर्माहट का महसूस होना शुरू हो जाएगा। और आज उस अवसर पे मौजूद है हमारे बीच में हमारे इस कॉलेज के गौरव और एक युवा और तीसरा प्रोफेसर मौजूद है श्री पिनाकी लाहा सर, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। साथ में हमारे इस कॉलेज की पूर्व छात्रा रही है अनुभा, जो एज ए लेक्चर आप सबको पढ़ा भी रही है, उनका भी इस सेमिनार हॉल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम का आयोजन सीखने के लिए है, सिर्फ ये नहीं कि हम लोग ट्रिब्यूट दे, जन्मदिन मनाए और कुछ खाए और फोटो खींचे और चले जाए, ऐसा नहीं, एक्चुअली सीखना है। एक हम लोग का जो हेजिटेशन है बने रहता है कम्युनिकेशन स्किल में, हम लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो आज कुछ बच्चों को मौका दिया गया है बोलने का एज ए स्पीकर। छोटा सा टॉपिक एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं अनुभा को मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा तो विवेकानंद जी के बारे में और अपनी विचार रखेंगी, फिर हमारे बीच में सर है, सर का आशीर्वाद मिलेगा आप सबको। और तो वो बच्चों लोग को यहाँ मौका दिया गया है जो हमारे टेक्नोक्रैट कोडर ये जो हमारा अपना एक कोडिंग क्लब है जो इस कॉलेज से शुरुआत हुई, ख्वाब फाउंडेशन की एक यूनिट है, इसके द्वारा यह आयोजित किया गया है जिसमें युवाओं को एक मौका दिया गया है कि आप एज ए स्पीकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखें, आपका हेजिटेशन दूर होगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाएंगे, ओरेटर बन पाएंगे, स्पीकर बन पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी स्किल है। विवेकानंद जो शिकागो सम्मेलन में उन्होंने बोला, एज ए स्पीकर ही बोला था, तो एक अच्छा मौका है कि विवेकानंद की तरह बनने का प्रयास करें, यहाँ पे एक स्किल को डेवलप करें, अपने अंदर के हेजिटेशन दूर करके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए और जिंदगी में सफल हो, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो विवेकानंद के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बचपन में उनके ऊपर भाषण ऐसे और बहुत बारे डिबेट भी किए होंगे, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ा विवेकानंद के बारे में दो शब्द और अपने विचार रखने के लिए अनुभव को मैं आमंत्रित करता हूँ जोरदार तालियों के साथ। सर आप सबको मेरे बारे में बताएं कि मेरा नाम अनुभा है और मैं इसी कॉलेज सामने डीसीए फैकल्टी के तौर पे भी यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। जैसा सर बताएं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग सबको ही जानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनको बचपन से ही समाज के प्रति कुछ करने की जागरूकता थी। महज 25 साल के उम्र में ही बाइबल, फिर गीता, उसके बाद कुरान, वेद, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया और 1881 में उन्होंने परमहंस जी को अपना गुरु बनाया और 25 वर्ष की ही उम्र में उन्होंने एक भगवाधारी पहन के और पूरे भारत में पैदल यात्रा की और फिर उन्होंने देखा कि भारत में कितनी गरीबी है और वो युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे। और उन्हीं का एक सबसे फेमस जो है एक कोटेशन है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी बात बड़ा पाप है। और ये सारे युवाओं को समझना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर ना कुछ नहीं तो कुछ स्किल होती है जो छिपी हुई होती है, हमको लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड होगा जो स्टडी में काफी अच्छा होगा, हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो खुद को पहचानिए और खुद के उस स्किल को लेकर के काफी ऊपर तक जाइए, यही उनका मानना था। थैंक यू सो मच। अच्छा बात बताई विवेकानंद जी के बारे में। और अभी हम लोग के बीच में हमारे आदरणीय सर उपस्थित हैं, पिनाकी लाहा सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अपने बच्चे हैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इनको आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, आपका दिशा निर्देश आपका आशीर्वाद मुझे लगता है कि बच्चों लोग को काफी काम करेगा, तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। Thank you very much, Murari.
रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो बीसीए में हम पहले क्लास लेते थे, कुछ साल पहले फिजिक्स था बीसीए में, तो हम पढ़ाते थे और उस बिल्डिंग में क्लास होता था। अभी तो नया बिल्डिंग इस बिल्डिंग में आ गया है, तो बीसीए स्टूडेंट्स में बहुत क्लास हम लिए हैं, 3-4 साल हम क्लास लिए हैं। अभी फिजिक्स चला गया है, सेमिस्टर में है नहीं सिलेबस में, तो हम नहीं मतलब मिलते हैं उन लोगों से। होपफुली कुछ दिन के बाद फिर मिलेंगे और इंटरेक्शन होगा। तो आज जो टॉपिक है वो है नेशनल यूथ डे के सेलिब्रेशन और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और कॉ फाउंडेशन का भी कुछ है, तो बहुत कुछ है। लेकिन इन ब्रीफ जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि स्वामी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलने का जो औकात जो होता है वो मेरे में नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ऐसे ही एक आदमी है, ऐसे ही पुरुष है जो मतलब एक किताब में नहीं, मतलब वो एक महासागर है, ठीक है। उसको बोलने में, उसको जानने में, उसको पढ़ने में, उसको सीखने में कोई एक कोटेशन या कोई एक किताब उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, जिसके बारे में पढ़ने से तुम विवेकानंद के बारे में जान सको या सीख सको, ठीक है। देर आर सेवरल बुक्स, सेवरल नॉवल्स, सेवरल थियरीज, सेवरल कोटेशन बुक्स स्वामी जी के ऊपर है। तो मैंने रामकृष्ण मिशन में ही मेरा बचपन बीता है, मैंने पढ़ा था उसी में, तो एकदम बचपन से ही मेरा रिलेशन और इंटरेक्शन और जानना शुरू हुआ था जब मैं 10 साल के थे तब से। तो मैं आज उस टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग स्वामी जी को फॉलो कर लो तुम्हारे हिसाब से, जो कोटेशन अच्छा लगे, जो टॉपिक अच्छा लगे, पढ़ना चाहिए सबको, जानना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैडम बोल रही थी अनुभा मैडम, कि स्वामी जी ने पूरा भारत को पैदल में वो घूमे, ठीक है। तो एक्चुअली स्वामी जी का क्या हुआ था स्टोरी उसमें, कि स्वामी जी को लगा था आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका, जब वो शिकागो में वो धर्म महासम्मेलन में वो गया था, तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से वो जब लौट के आया तो उनको पहले कोई नहीं जानता था, ठीक है। और वो पहले उस समय कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, वो एक्चुअली वो कास्ट थे, लेकिन उस समय जब वो गेरुआ पहनना स्टार्ट कर दिया, तो उस समय गेरुआ पहनता था ब्राह्मण लोग ज़्यादा था, मॉन्क लोग पहनता था, तो वे जो वस्त्र जो वो स्टार्ट किया था पहनना, तो उनको लगा था कि एक कास्ट क्यों पहन रहा है, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए उस समय का बहुत सारे मतलब फेमस पर्सन है, केशव चंद्र सेन है, नवीन चंद्र दास है, बहुत सारे फेमस लोग अमेरिका में उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया था, उसको बोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जो भी दो शब्द वो बोला था उसी में ही वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बेस्ट स्पीकर थे वो। तो उसके अगेंस्ट में जब जाके जब लड़के वो आया, तब तो उनको लगा कि उसके पास बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी हो गया, बहुत लोग आ रहे उनके पास, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो पूछा गया उनको कि स्वामी जी आप तो लौट के आए, आप क्या करना चाहते हैं इंडिया के लिए, आपका जो आइडिया है वो क्या है। तो बोला कि मैंने पहले इंडिया को जानने के लिए इंडिया को घूमना पड़ेगा, इंडिया के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि एक कोलकाता या एक बनारस या दिल्ली से, बेंगलोर से, चेन्नई से कोलकाता को नहीं जान, मतलब इंडिया को नहीं जान सकते, उसके लिए पूरा एकदम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट घूमना पड़ेगा। और कैसे घूमेगा, बस से, ट्रक से, एरोप्लेन से नहीं, बाई वॉक वो पूरा घूमे हैं। और पूरा इंडिया घूमने के बाद वो देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो यूथ का प्रॉब्लम है, यूथ में एग्जैक्ट मोटिवेशन, एग्जैक्ट लक्ष्य नहीं मिल रहा है, इसीलिए यूथ का जो एनर्जी है वो डाइवर्टेड हो रहा है, ठीक है। वो क्या करना है यूथ को नहीं पता है कि किससे हमको अच्छा लगेगा, कौन सी चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, ये फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टारगेट फिक्स करना है, जो मेरा जो कहना है, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट या फिनिश योर टारगेट, हाँ मेरे को ये बनना है, ठीक है। उसके बाद टारगेट फिक्स हो जाने के बाद उसको अचीव करने के लिए ट्राई करना है। तो पहले हम चाहते हैं कि अभी तुम जो बीसीए का स्टूडेंट है, सब लोग ये मान लिया है कि हमको टेक्निकल लाइन में जाना है, लेकिन ये मान लो कि हाँ टेक्निकल लाइन में जाने के बाद हमको आगे क्या करना है, इसका जो टारगेट है ये फुलफिलमेंट तभी होगा जब तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग टारगेट के लिए एक मेंटल और एक फिजिकल अटैचमेंट हो जाए, तभी होगा। तो ये मेरा कहना है, फर्स्ट तुम्हारा टारगेट फिक्स कर लो और उसी हिसाब से तुम लोग आगे तैयारी कर लो, जो भी करना है, पढ़ाई करना है, जो भी करना है
करो तो तुम्हारा अच्छा होगा. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू ऑल. पॉजिटिव और खासकर जो गोल सेट करना है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आने वाले समय के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो अभी से थोड़ा सा लगने की जरूरत है और लगे रहना है जब पहले हम सफल नहीं होते हैं. बहुत अच्छा संदेश रहा सर का. तो एक चीज जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एज ए यूथ डे होने के नाते युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए कुछ गोल को अचीव करने के लिए. और मुझे पता है कि आप सब युवा है. कहना था कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इस ढंग से होनी चाहिए कि अगर सांप भी काट ले तो उसके जहर का असर ना हो. जहर का असर तब होता है जब हम उसको आने देते हैं और महसूस करने देते हैं और डरने लगते हैं. तो हमेशा से उन्होंने मजबूती पे, स्ट्रॉन्गनेस पे मैसेज दिया. उन्होंने एक और मैसेज था, गीता को वही समझ सकता है जो फील्ड में फुटबॉल खेल कर दिल को मजबूत करता हो. कमजोर लोगों को गीता का बहुत काम समझ में आने वाला. उन्होंने मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज था. अगर उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनके कोटेशन को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आपके नसों में फरकन आना शुरू हो जाएगी. उस ढंग से उन्होंने अपने मैसेज दिया है. तो देर ना करते हुए, चूंकि हमारे बीच में बहुत छोटे छोटे स्पीकर है और एक पहली बार है, मुझे लगता है कि सबके लिए पहली बार होगा. कुछ लोग होगा कि जो पहले भी स्टेज पे बोले होंगे, घर में झगड़ा कर लेना और स्टेज पे बोलना आसमान पताल का फर्क है ना. घर में आप फरा सकते हैं, यहाँ पे आके एक सब भी नहीं बोल सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस नहीं है. लेकिन मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. थोड़े देर के लिए सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को सम्मानित करके भी यहाँ से जाना है. 10-15 मिनट हो जाएगा सर. तो ये बच्चे लोग कैसे बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका एक जो रिमार्क होगा इन बच्चों को आगे बढ़ने में भी मदद करेगा. तो एक्चुअली एक टॉपिक रखा गया था आप सबके बीच में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. स्पेशली जो यह गोल है UN द्वारा निर्धारित किया गया था 2015 में 25 सितंबर 2015 में 193 कंट्री के बीच में यह एक गोल सेट किया गया 17 गोल. और वह 17 गोल है क्या चीज, किस तरह से 2030 तक उसको अचीव करना है, एजेंडा 2030. यह उन्होंने निर्धारित किया था और पूरे विश्व को इस पे मिलकर फंडिंग बड़ा से भी खूब अच्छी खासी आती है. जो NGO काम करते हैं इस पे, उनको फंडिंग आती है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, काम होते हैं. ये सारा क्या क्या टॉपिक है आप सब इसको देखें. मुझे लगता है कि टॉपिक 1, 2, 3, 4 17 होंगे और मुझे याद कर लेते हैं तो आगे GK GS की तैयारी हो जाएगी. और मुझे लगता है कि आप सब की और हमारी क्या योगदान हो सकती है, आप सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने विचार भी बात में रख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आग्रह करता हूँ नो पॉवर्टी कौन है त्रिशा जो फर्स्ट सेम की स्टूडेंट है, मैं जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे बात करता हूँ और अपनी बातें. Myself Trisha from BCA Semester 4. Now I am discuss my book No Property. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश पूरे वर्ल्ड में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो ऐसे तो पहले 20 साल से बहुत कम हो गई थी, लेकिन COVID-19 की वजह से 7% और ज्यादा हो चुकी है. और 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसा है जो अपने पेट पालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि एजुकेशन के लिए, फूड के लिए एंड वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. और जैसे कि रूरल एरियाज में ये पॉवर्टी 70.2% हो चुका है और अर्बन में 5.3% बढ़ चुका है. और जैसे कि इसके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, इसके कुछ सॉल्यूशंस है जैसे कि हम स्पीडिंग कर दें ये ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, और ये फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस कर दे, एंड ये सब जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है तो कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए. तो बिल्डिंग्स न्यू रोड्स कर दे, कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट कर दे, पानी पहुँचा रहे जहाँ जहाँ जरूरत है पीपल को वहां तक पहुँचा रहे वो सब. और जैसे कि आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन हो जाए
और उसके बाद में टेक्नोलॉजी यूज हो, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, दैट्स इट। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर पायल। छोटे छोटे स्पीकर हैं, हौसला बढ़ाते रहेंगे क्योंकि पहली बार है और मुझे लगता है कि मंच जो है ना आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करेगी। जोरदार ताली साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ पायल चंडीगर। आई एम स्टडीइंग बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम एलएनडी कॉलेज। सो आई एम डिस्कसिंग टॉपिक जीरो हंगर। So under nutrition causes fasting for sub-fasting of 52 million children worldwide is contributes to nearly half 45% of deaths in children under 5। हमारे देश में भुखमरी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे देश में बच्चे को 52 मिलियन बच्चे 5 साल के होते होते तक मरते होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सतत विकास योजना के तहत 2015 में एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें भुखमरी की समस्या को कम करने का योजना बनाया गया है, जिसके लिए खास करके गरीब बच्चे और कुपोषित बच्चों तक को पोषण, गरीब बच्चों को सुरक्षित भोजन आहार उपस्थित कराना है। एंड सेकेंड में द मेजर आउटकम्स टारगेट आर एंडिंग हंगर एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू फूड विद इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत भोजन में से 25% भी अगर बचाया जा सके तो 870 मिलियन लोगों को खिलाया जा सकता है। इट इंक्लूड्स एड्रेसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्टॉर्शन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फूड कमोडिटी मार्केट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसलिए खाद्य भोजन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हेलो प्रांजल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रांजल सिंह एंड आई एम फ्रॉम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। आई विल डिस्कस अबाउट गुड हेल्थ एंड वेलबींग। Between 2000 and 2016, the worldwide under 5 mortality rate decreased by 47%. 2016 के बीच में worldwide mortality rate जो है वो 47% घट चुका है। और हमारा कारण ये होना चाहिए कि mortality rate कम हो और under 5 years of age के death rate भी कम हो। अगर हम WHO की माने तो अपने health को अच्छे से maintain कर सकते हैं। कैसे? Avoid tobacco, any type of tobacco and avoid use of alcohol. Next, quality education, Rupali. Aparna, Aparna. सबके लिए ताली लगनी चाहिए। नेक्स्ट जेंडर इक्वालिटी बहुत अच्छी टॉपिक है। रूपाल जोरदार ताली के साथ बात करें। मोदी हाई।
I'm a student of BCA first semester. Here, I want to. तो बोलो सामने तो सीधे सामने तो सीधे बोलो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग माइसेल कुपारी सिंह ऑफ एलएनडी कॉलेज मोदीहारी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हियर आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक जेंडर इक्वालिटी मींस क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अभिराज हेलो एवरीवन आई एम अभिराज सिंह ऑफ बीसीए थर्ड सेमेस्टर माय टॉपिक इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन द मेन गोल इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल स्वच्छ और साफ पानी की व्यवस्था पूरे देश में कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में यही प्रमुख देश है 2017 में करीब 71% लोग ही स्वच्छ पानी पी सकते थे और 2.2 बिलियन पीपल विदाउट सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं अभी भी इन द मेजर टारगेट इट्स मेजर टारगेट आर टू प्रोवाइड सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर का मुख्य उद्देश्य है कि शुद्ध और स्वच्छ पानी पूरे विश्व तक पहुँचाना प्रोवाइड एक्सेस टू सैनिटेशन एंड हाइजीन इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड इंश्योर प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी द मेन गोल इज टू इंश्योर एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल एंड द ग्लोबल पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट 840 मिलियन इन 2017 तक करीब 840 मिलियन लोग थे जिसे बिजली नहीं मिलती थी जिसमें से 1.2 बिलियन लोग 2010 में सहारा रीजन के जो साउथ अफ्रीका साइड में पड़ता है द मेजर टारगेट आर टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी इसका मुख्य उद्देश्य है कि मॉडर्न एनर्जी पूरे दुनिया तक विश्व तक पहुँचाना इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबल टू इम्प्रूवमेंट एनर्जी ये प्रयास है कि यहाँ पे आकर जो बोल रहे हैं एक तमगा लग रही है आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पे कि एज ए स्पीकर आने वाले समय में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं नेक्स्ट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जफर जोड़ा चैलेंज Hello everyone, myself Jafar Iqbal. I am currently pursuing BCA from L&D College and my topic is to explain about decent work and economic growth and it is SDG 8. So SDG 8 is about promote sustained, inclusive and sustainable economic growth
full and productive employment and decent work for all. Over the past 5 years, economic growth in least developed country has been increased at an average rate of 4.3%. In 2019, 22% of the world young people were not in employment. Education or training, a figure that has hardly changed since 2005. Addressing youth employment means finding solution with and for young people who are seeking with and for young, seeking a decent and productive job. Such solutions should address both supply, that is education, skill development and training and demand. SDG 8 has 12 targets in total to be achieved by 2030. Some targets are in 2030, others are for 2020. The first 10 are outcome targets. These are sustainable economic growth, diversify, innovate and upgrade for economic productivity, promote policy to support job creation and growing enterprise, improving resource efficiency in consumption and production, full employment and decent work with equal pay, promote youth employment, education and training, and modern salary trafficking and child labor, protect labor rights and promote safe working environments, promote beneficial and sustainable tourism, universal access for banking, insurance and financial services. In addition, there are also 2 targets for mean of achieving, which are increased 8 for trade support, develop global youth employment strategy. And this goal 9 was industry, innovation and infrastructure. It was about to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovations. In 2019, 14% of the world workers were employed in manufacturing activities. This percentage has not changed much since 2000. The share of manufacturing employment was the largest in Eastern and Southeastern Asia and the smallest in Sub-Saharan Africa. As at 2020, nearly the entire world population lives in an area covered by a mobile network. Millions of people are still unable to access their internet due to cost, coverage and other reasons. It is estimated that just 53% of the world population are currently internet users. SDG 9 has 9 targets and progress is measured by 12 indicators. The first 5 targets are outcome targets, develop sustainable, resilient and inclusive infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, increase access to financial service and markets, upgrade all industry and infrastructure for sustainability, enhance research and upgrade industrial technologies. The remaining 3 targets are means of achieving targets, facilitates sustainable infrastructure development for developing countries, support domestic technology development and industrial diversification, universal access to information and communication technology. Thanks a lot. Next, reduce the inequalities. Akash Kaur. हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आकाश गौतम फ्रॉम बीसीए थर्ड सेमेस्टर। अभी पिछले 2-3 एसडीजी कोर्स में हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। तो हमारा अगला 10th कोर्स इसी बात पर फोकस करता है कि हमें इनइक्वालिटीज को ध्यान में रखना है। अभी के टाइम में अगर नॉर्मल डेटा को हम लोग कंसिडर करें तो 5% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड 95% ऑफ द वेल्थ को मैनेज करते हैं। ऑलमोस्ट 40-50 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 95% वेल्थ को मैनेज करता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि 2030 तक हम जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम करें, जितना कम कर सकते हैं। इसके लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर हमको फोकस करना होगा। उनको हम जिस तरीके से जितनी ज्यादा लाइब्रेटी दे सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बोर्ड, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज सभी को पता है कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा जगह, एक ऐसा कस्बा बसाना जहाँ पे लोग आसानी से रह सके। एशिया का इवन जहाँ तक मुझे याद है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया अपने इंडिया में ही है, मुंबई में धारावी, सब जानते हैं। जस्ट इमेजिन करो धारावी में अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा, धारावी में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो क्या होगा, वहां के लोग कैसे इवैक्यूएट करेंगे, उन लोगों को हम कैसे किसी अच्छे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड में 2030 तक हमारा एक और ये टारगेट है, एक और ये टारगेट है कि वर्ल्ड में जितने भी स्लम एरियाज हैं हम उनको जितना कम कर सकते हैं उतना बढ़िया होगा, जिससे कि लोगों को वहां पे रहने में ज्यादा सुविधा हो। इसके लिए वहां प्रॉपर जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका उसको बिल्ड करना, ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड करना, उसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर से रहने के लिए जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसका देखरेख करना, ये हमारा 11th टारगेट है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हमारा मेन मोटिव होता है कि जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कितना हम कंजप्शन करते हैं, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना होता है. यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैसेज हैं या फिर जो भी क्रूड ऑयल वगैरह हम यूज कर रहे हैं उनका कितना कम से कम या फिर जितना यूज है उस हिसाब से उसको उसका कंजप्शन करें. साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि प्लास्टिक या फिर कुछ ऐसी हम लोग ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि जल्दी, जिसको हम कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो जल्दी क्या कहते हैं उसको, जल्दी नेचर में खपत नहीं होता है, जिनका जो बहुत डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं उनका हम लिमिटेड यूज करें. उसके साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो भी उसका जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं. तो थैंक यू एवरीवन. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट एक्शन, आज की जरूरत है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं इसमें बहुत बड़ी योगदान होती है. मुझे लगता है कि विशाल सिंह यू आर इनवाइटेड हियर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. फर्स्ट टाइम का बच्चा है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मैं सर विजय पात्र सर. टॉपिक इज क्लाइमेट एक्शन. तो क्लाइमेट एक्शन जो है मानव निर्मित गतिविधियों के कारण जो होता है क्लाइमेट में परिवर्तन होते रहता है, जो कि इसके उपाय के इसके मुख्य कारण है कोयला, तेल, गैस के जीवाश्म जैसे ईंधनों के जलाने के कारण. तो इसके उपाय के लिए हम लोग के जीने के लिए और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए जो कि खतरा बहुत बढ़ रहा है इससे, तो इसके उपाय के लिए हम लोग को बचने के लिए कुछ उपाय करना होता है, जो कि वर्ल्ड में बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं और इसमें इससे. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मैं सर कृष्णा कुमार, आई एम थर्ड सेम. थैंक यू टू मुन्ना सर टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट. और माय टॉपिक इज 14 लाइफ बिलो वाटर. द मेन गोल इज टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज टू ओशियन सीज एंड मेरिन रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बिकॉज जो SDG का जो 14 पॉइंट है ये मेन गोल बना था ओशियन सीज और जितने भी मेरीन रिसोर्स को, मतलब उसको सब्सटेंशियल मतलब आगे वाले फ्यूचर में आने के लिए कंटिन्यू बनाए रखे. तो इसका मतलब करंट एफर्ट टू प्रोटेक्ट ओशियंस मेरीन एनवायरनमेंट एंड स्मॉल स्केल फिशेस आर नॉट मीटिंग द नीड टू प्रोटेक्ट द रिसोर्स. जो जितने भी मतलब इसका करंट एफर्ट लगाया जा रहा है प्रोटेक्ट ओशियंस को, मेरीन को, एनवायरनमेंट को और जितने भी स्मॉल स्केल फिशेस हैं उनको जितना रिसोर्स नहीं मिल रहा है उन सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. इसमें मतलब इसका सबसे ज़्यादा ग्लोबली मतलब ओवर फिशिंग इलीगल है. बिकॉज ओवर फिशिंग से ये होता है कि मंथली अगर टारगेट फिक्स रखता है इतना ही फिशिंग करना है, बट ओवर नहीं निकाल लेने पर जितने भी बच्चे उच्चे उसके होते हैं सब मारे जाते हैं. और मेन पॉइंट हम लोग का ये है जे हर साप्ताहिक वीक टू वीक कैंपेन चलाना, जैसे प्लास्टिक ओशियंस सीज जितने भी हैं प्लास्टिक को क्लीन करना और जितने भी क्लैरिटी चलते हैं 14 का 14 पॉइंट लाइफ बिलो वाटर का जितना